दोस्तों नमस्कार। देखिए है, ये है डुप्लीकेट, पीछे फोटो में डुप्लीकेट है और साथ में ओरिजिनल भी आदमी है। और आज इनके घर पे मैं हूँ बनारस में। बनारस ही है ना जी? बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी वाराणसी में यहाँ पर जितने लोग हमें देख रहे हैं सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव महादेव। और बात बात घरे रहनी है। अचानक सुबह सुबह जैसे ही आँख खुला था हमारे संजय भूषण पटियाला जी का कि मैं भी बनारस में हूँ, तो मैंने बोला कि भाई बहुत दिनों बाद, हमको लगता है 5 से 6 महीने बाद हम भी घर पे आए हैं, ये चाय पानी पिया जाए, क्योंकि मुंबई में समय बहुत कम रहता है, हमेशा में शूटिंग पर रहता है। घर पे हैं और पापा जी को आपसे मिलना था भाई, आप पापा जी के परम प्रिय हैं, तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, मैं देख के बहुत ताजुब हूँ, हमेशा शूटिंग पे रहते हैं, कितने साल में और कितने दिन घर पे आते हैं? पहले घर पे आते जाते रहता था, शो होता था या शूटिंग भी होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से जब सारी फिल्में एक साथ बैक टू बैक कर रहा है आदमी, क्योंकि सारे डायरेक्टर लोग बोल रहे हैं कि भाई 6 महीना 8 महीना हो गया है, हमको भी फिल्म करना है, हमको भी फिल्म करना है, तो बैक टू बैक फिल्म कर रहे हैं, तो आते थे रात में रुके फिर निकल जाते थे। तो 6 महीना बाद हम यहाँ पे सितंबर से निकले निकले आज ये फरवरी मार्च हो गए, आए हैं 2-3 दिनों के लिए, फिर कल निकल जाना है लखनऊ। तो जब शूटिंग होते घर पे याद, घर की याद आती है कि नहीं, मम्मी पापा की और बहुत भाई बहन की? बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि बचपन से आप लोग तो सभी जानते हैं, बचपन से मैं घर के बाहर रहा शो के लिए, एल्बम के लिए, बहुत तरसता हूँ ये पल के लिए, और जब भी आता हूँ बहुत अच्छा लगता है, जाने का तो मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, आप लोग के लिए भाई, आप लोग के लिए जान हाजिर है। जिस जगह पर खड़े हुए हैं आप, यहाँ के अगल बगल से पढ़ाई किए थे, कुछ बचपन की यादें बताइए जो किसी को पता नहीं हो। बचपन की यादें तो हमारे गांव में है, बक्सर, अरवली बक्सर में, लेकिन यहाँ पे मैंने BNS में 8, 9, 10 तक पढ़ाई की है, तो मतलब पढ़े लिखे आदमी आप? 10 तक पढ़ल बनी, जितना हमारा मतलब समाज में घूमे फिरे और कहीं दिक्कत ना वाला उतना पढ़ल लिखल बनी। हम तो सोचते नहीं MBA 5 बड़ा ना ना ना, जबरदस्ती में चीटिंग करके पढ़लक, कोनो डिग्री लेके कोनो मतलब नहीं किया, और जे भी हमके देख रहा बा अगर पढ़ाई में मन नहीं खेला गया तो जबरदस्ती माई बाबू काला पे डिग्री ले लग, कोई जरूरत नहीं है, रो जो ना चीज में इंटरेस्ट बा, जो ना चीज में आगे बढ़ल चाहते नहीं, बिना पढ़े लिखले भी एक से बढ़ के एक आदमी बढ़े कि अपन मुकाम पहले बढ़े, लेकिन हाँ पढ़ाई लिखाई आज के समय में बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ के बारे में पूछते रहेंगे, कुछ नया जानकारी दीजिए हमको। नया जानकारी क्या दे, हम आप लोग के बीच हमेशा नया नया जानकारी देते रहते हैं, लेकिन हाँ बहुत मतलब बहुत अच्छा लगे जब भी हम घर पे आई ना बनारस में, और बहुत ही अच्छा जगह भाई, मतलब हमेशा मन के सुकून मन के शांति, अगर आप लोग के चाहे तो काशी में एक बार आए लो, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे लोग, काल भैरव बाबा के दर्शन करे लोग, सारा दुख संकट सब कट जाए। हाँ जब भी हम बनारस में है ना, तब पुरनका विश्वनाथ जी थे ना, लेकिन नयका विश्वनाथ जी BHU में जौन बानी ओजा दर्शन करना, बगल में हमारा घर के बानी 1 किलोमीटर संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करना, काफी अच्छा मतलब महसूस होता। जैसे अभी तो बहुत माल हो गए कल्लू के पास, लेकिन जब पहले तो माल रहे ना तो कितना चोरी करे मजा आते रहे घरवा में? चोरी नहीं, हमारे जो दादाजी रहा, जब भी मेला वाला जब भी लागे गांव में, तो हमने के 2-2 रुपया 5-5 रुपया दे देते रहे, तो चोरी के लिए कौन जरूरत ना रहे। देखो ना बताइए, हमें मालूम है कि तुम मुस्का तो चोरी जरूर के लिए पापा को नहीं, नहीं पापा जी हमारे बहुत मानते रहे बचपन से ही, जब हम सिंगर ना भी रहे तब पर भी एक अलग लगाव रहे, एक अलग जुड़ाव रहे, हमारा के ऑलरेडी मतलब 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया में से देते रहे। अच्छा, दादा के दादा का नाम याद है? हाँ कमलापति चौबे हमारा दादाजी के नाम है, मुनेश्वर चौबे हमारे बाबा के पापा जी के नाम है। पापा के नाम तो याद होगा नहीं? श्री काशेश्वर नाथ चौबे जी, लेकिन चुंगुन जी चौबे के नाम से शहर लग जाने लगा। भाई बहन कितने हैं टोटल? 4 भाई हैं, आशुतोष चौबे, फिर मैं अरविंद, इसके बाद अविनाश चौबे और अभिषेक चौबे, बहन एक भी नहीं है। तो फिल्म लाइन में तो आपको भाई और पापा कोई किसी से कोई संबंध नहीं था, कैसे आपको मूड किया कि गाना गाया जाए? बचपन से ही हम देखा था, उतरे हमारे जो पिताजी रहा वो इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रखत रहा, झोल मतलब संगीत में, नाटक में, हमने के गांव में नाटक होते रहे, माँ मातिम कला निकेतन मंच जो अरवली बक्सर में बा, सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे नाटक होते रहे, वो नाटक में हमारे पिताजी डायरेक्टर भी रही और राइटर भी रही, हिंदी नाटक के वहाँ भोजपुर में कन्वर्ट करके कराई और बहुत मेहनत करते रहे, तो वो मेहनत देख के काफ़ी हमरो अच्छा लगे, और घर पर हमेशा गाना वाना सुनत रही, तो ना होला कि हमारा जुड़ा पापा जी के साथ एकदम लगाव हमेशा रहे, तो उनके साथ हम रहत थोड़ा बहुत हमरो गावे की इच्छा भइल, स्कूल में घर वर में अंताक्षर होके तम गावत रहे, अचानक एक दिन हम अपने मम्मी से कहने कि हम भी गाना गाएं जैसे पापा मंच पे गावे लें, लोग कहलन कि बड़े के लोग फॉलो कर लेते, हम अपने पापा जी के फॉलो कहीं गाना गौनी मंच पे,
और गांव वाले लोग के बहुत पसंद है। फिर पापा जी हमारे पीछे मेहनत की, एल्बम निकला, बहुत सारा संघर्ष के कहानी बा, एक दिन बैठ के बतिया। मतलब कि अब नया फिल्म के डायरेक्टर भी हो सकते हैं आपके पापा जी? डायरेक्टर तो है ही, लेकिन बोलते हैं ना कि बहुत जल्द है। अभी कुछ देर पहले बात होते रहे कि कोई फिल्म हम बनावे का प्लान चला था। हाँ, चाचा का डायरेक्टर रखा। हाँ, पापा जी का एक ड्रीम है एज ए डायरेक्शन, और मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं अपने पिताजी के डायरेक्शन में काम करूं। हाँ, और स्क्रिप्ट सब रेडी हुआ, लेकिन बाहर के डायरेक्टर लोग छोड़ते नहीं। प्रोड्यूसर आशु चौबे जी रहेंगे। प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम अपने घर का ही पैसा लगाएं। बहुत लोग हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में गार्जियन है, वो भी लगा सकते हैं। बाहर के डायरेक्टर लोग छोड़ते नहीं किया कि घर के डायरेक्टर के हम काम करें। बड़ी एक पे पापा जी नाराज भी बने कि लड़का हमार आज सब कुछ हक जमा होता, लेकिन घर का फिल्म तो कभी भी कर सकता है, लेकिन बाहर के लोगों को का फिल्म पहले कम्प्लीट कर। मतलब होम प्रोडक्शन खोलने का प्लानिंग चल रही है कल्लू जी का? होम प्रोडक्शन खोलना क्या है, सब आप ही लोग का है। होम प्रोडक्शन जब हम बोले आप सभी लोग का सहयोग मिल जाएगा, उसी दिन चल हो जाएगा।